हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल रिफिक्स टूल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेकन का सोल्डरिंग स्टेशन। ये मॉडल है आपका BK969D जो कि T12 सीरीज सेगमेंट में चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा T12 जिसके अंदर आपका लॉन्ग बिट चलती है, तो उसी सेगमेंट में आपके नए स्टेशन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें फ़ीचर मिलने वाला है। तो बॉक्स ओपन के बाद सबसे पहले मिलता है हमें इसके अंदर ये मैनुअल बुक, एंड बुक के अंदर ये सभी चीज़ें इसके अंदर डिटेल्स में बताई हुई है, एंड सारे फीचर्स वाइज इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है। तो इसे हम फिलहाल हटा देते हैं एंड बॉक्स में देखते हैं क्या क्या चीज़ मिलता है। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें मिलता है बिट, पहले बिट ही हाथ में आइए। तो ये हमें मिलेगी बिट, इसमें आप देख सकते हैं इट्स अ पॉइंटेड टाइप, एंड आपका बेकन LF008ES3 सेफ। ये इसके अंदर पेन आया हुआ है इसका, जो कि आपका 6 पिन के अंदर है। आप यहाँ पर मैं आपको क्लोज में भी दिखा देता हूँ, ये 6 पिन के अंदर आता है। और जैसे कि आपने देखा होगा ना T12X के अंदर सीरीज़ में है कि यहाँ पे स्क्रू टाइप नहीं होता है, तो विदाउट स्क्रू टाइप है ये ईजिली इसमें डायरेक्ट फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ऐसे ये इजीली बिल्कुल फिट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ग्रिप सिस्टम भी दिया हुआ है, जिससे कि हैंडल में जो इसकी पकड़ है, जो हम पकड़ने का टाइमिंग है, जो मतलब परफेक्ट रहेगा, मतलब ये ग्रिप जो है हटेगा नहीं, तो ये भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ इसकी काफ़ी है, लगभग 1.5 मीटर के आसपास है, 1.5 मीटर के समथिंग इसकी लेंथ है पेन की। तो फिलहाल हम इसे भी हटा देते हैं। फिर उसके बाद मिलता है हमें इसके अंदर आपका स्टैंड। स्टैंड के अंदर देखिए दो चीज़ इसके अंदर दी हुई है। स्टैंड के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो इसका कलर काफ़ी प्यारा कलर दिया हुआ है, और स्टैंड के साथ आपने देखा यहाँ पर इसका स्पंज दिया हुआ है, और स्पंज के साथ यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कॉपर वायर, जो कि बिट को बिल्कुल क्लीन कर देगा। फिर इसके अंदर मिलता है आपको एक पावर केबल, तो पावर केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद सबसे लास्ट के अंदर आपको मिलता है सोल्डरिंग स्टेशन। तो फिलहाल अभी हम इसे हटा देते हैं। तो लास्ट में आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको निकलने वाला है ये सोल्डरिंग स्टेशन। ये मैं आप क्लोज में भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है BK969D मॉडल है, काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ है, एंड बैक साइड से कुछ ऐसे दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्डरिंग स्टेशन BK969D मॉडल है, 65 वाट के अंदर आता है। देखिए बेकन के अंदर ना काफ़ी अच्छा एक फीचर बहुत अच्छा दिया हुआ है, सभी स्टेशन और या फिर SMD वगैरह कुछ भी चीज़ रहेंगे उसके अंदर फ्यूज़ सिस्टम ज़रूर देते हैं। तो फ्यूज़ में क्या रहता है कि प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर इन फ्यूचर अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इश्यू आता है तो आपका स्टेशन जो है वो ईजिली सेफ रहेगा। यहाँ से इसमें दिया हुआ है इसमें ऑन ऑफ सिस्टम, एंड इस साइड कुछ नहीं है, एंड ये आपका इसके अंदर बड़ी डिस्प्ले के साथ दिया हुआ है, तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। अभी फ़िलहाल कर लेते हैं हम इसे ऑन कर दिया मैंने इसने पावर प्लग, तो मैंने एक पावर प्लग पहले ही लगा रखा है, तो यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं पावर प्लग को। पावर प्लग करने के बाद देखिए SE इसमें लिखा हुआ है, एंड इसके अंदर लिखा आ रहा है 380 डिग्री सेल्सियस, एंड जो टेम्प इसमें लिखा आ रहा है SE, तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी इसमें अंदर पेन जो है वो फिट करना है। तो पेन अभी हम फिलहाल इसके अंदर फिट कर लेते हैं। हमेशा जब भी आप पेन वगैरह कुछ भी चीज़ बिट भी अगर चेंज करें तो हमेशा स्टेशन को क्लोज कर दिए, बंद कर दीजिए, एंड बंद करने के बाद ही आप फिर पेन लगाएं। तो अभी फ़िलहाल हमें लगा इसके अंदर पेन फिट हो गया। पेन फिट होने के बाद जैसे कि अभी हमने फिलहाल कर लेते हैं पावर प्लग, तो हमने यहाँ पर लगा दिया इसे पावर प्लग कर दिया, और यहाँ से कर लेते हैं इसे ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ जाती है इसकी बिग डिस्प्ले, सबसे जो अच्छा इसके अंदर फीचर दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपका बिग डिस्प्ले के साथ इसमें दिया हुआ है, तो इसके अंदर दिए हुए आपको 4 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट्स के अंदर आप फर्स्ट के अंदर आप इसके अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि, और इसके अंदर आप टेम्परेचर कहाँ तक सेट कर सकते हैं, 180 डिग्री से लेकर आपको 480 डिग्री तक इसके अंदर आप टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं, और ये विद इन 3 to 5 सेकेंड के अंदर अपना टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्ट एक टेम्परेचर तक हीट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा फर्स्ट सेगमेंट में आप जैसे ही यहाँ पर जितना भी सेट करेंगे 180 डिग्री से लेकर आप 480 डिग्री तक किसी पर भी आप इसमें टेम्परेचर अपना सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट फर्स्ट पॉइंट में आप समझ गए होंगे।
एंड सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में इसमें ऑफसेट फीचर दिया हुआ है। और थर्ड की बात करते हैं, थर्ड के अंदर ये आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला सिस्टम दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। फोर्थ में इसमें दिया हुआ है आप इसका लॉक सिस्टम, तो यहाँ पर आकर आप लॉक इस अपने सोल्डरिंग स्टेशन को लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख, मैं आपको दिखाता हूँ फिर दोबारा, देखिए यहाँ पर अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा 3 डिजिट के अंदर, और यहाँ से आप इससे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेशन कोई भी इसे नहीं छेड़ पाएगा। तो सेकंड थर्ड फ़ारेनहाइट में हो गया, तो फिलहाल हम कर लेते हैं इसे भी सेल्सियस के अंदर एंड फिर इसे हम हो जाते हैं बैक। देखिए तो जैसे कि अभी, हाँ तो अभी कर लेते हैं फिलहाल, हम टेम्परेचर हमने इसका फ़िलहाल 270 डिग्री तक हमने कर दिया है। और 270 डिग्री पे हम बात करते हैं बिट की, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो इसके अंदर लॉन्ग साइड बिट लगती है। और इसका आपका स्टेशन जो है ये मैंने आपको दिखाई दिया है, तो इसके अंदर लॉन्ग साइड बिट लगती है। और इसके अंदर आप बिट जो है काफ़ी वैरायटी की लगा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी वैरायटी की आपको बिट्स मिल रही है। एंड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हमने टेम्परेचर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं 270 डिग्री इसके अंदर सेल्सियस आ रहा है, तो फिलहाल हम इसे लगा लेते हैं। देखिए 270 डिग्री पर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेल्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग में टाइमिंग लग रहा है या फिर कुछ और इश्यू है, देखिए प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो रहा है, ये देखिए, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। और स्पंज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कॉपर वायर के साथ इसमें स्पंज दिया हुआ है, कॉपर वायर जो कि टिप क्लीन करने के यूज़ में आता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसे करके आप टिप क्लीन कर सकते हैं। और बात रही स्पंज की, तो अगर आप स्पंज यूज़ करना चाहते हैं तो स्पंज से भी बिट साफ़ हो जाती है। तो इसके अंदर दोनों ही फीचर इसमें दिए हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, तो दोनों ही चीज़ें भी इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो बिट्स वगैरह की भी हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको स्टेशन कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए। मिलते हैं आपसे कुछ नए प्रोडक्ट्स साथ, तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।